इस वीडियो में बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सियाचिन, जो कि सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट वीडियो का कंटेंट था। इस वीडियो में बात करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले, जब स्पर्म और एग एक जो है स्पेसिफिक कीमोकाइन सिक्रीट करते हैं, एरबेसिया पेंचुलाटा के केस में ये सियाचिन का एक पर्टिकुलर स्पीसीज है जो रिसेक्ट सिक्रेट करता था। रिसेक्ट जो है 14 अमाइनो एसिड शॉर्ट पेप्टाइड होता है जो कीमोकाइन होता है, और ये रिसेक्ट जाके स्पर्म से इंटरेक्ट करता है। उसके बाद स्पर्म जो है इस एग के तरफ मूव करता है। सी अर्चिन के अदर स्पीसीज में अगर देखें तो अलग अलग टाइप के जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस तरीके से वो स्पर्म को इंटरेक्ट करते हैं। तो एक तरीके का ये स्पीसीज स्पेसिफिकेशन इंटरेक्शन होता है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके बाद डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। अब इसमें फर्दर क्लीवेज होगा। सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है, यहाँ पे हमने डीएसएच बनाया, डिसेबल्ड। डीएसएच बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं एग का, तो ये एग है और ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, फर्टिलाइज्ड कंडीशन है, और एग का जो कॉर्टेक्स है यहाँ पे डीएसएच प्रेजेंट है, डिसेबल्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस डीएसएच का इम्पोर्टेंट रोल है, एग को अगर हम डिवाइड करें तो ये इतना पोर्शन एनिमल हेमिस्फेयर होता है, और ये जो पोर्शन है ये वेजिटल हेमिस्फेयर होता है। इस एंड को बोल सकते हैं एनिमल पोल, और इस एंड को जो है ये जो पोल है इसको बोल सकते हैं वेजिटल पोल। तो यहाँ पे पोलैरिटी है, एक एनिमल पोल मिल रहा है और एक वेजिटल पोल मिल रहा है। तो वेजिटल रीजन में जो कॉर्टिकल रीजन है सेल का, वहाँ पे डीएसएच प्रेजेंट होता है। डीएसएच जो है यहाँ पे साइटोसॉल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, डीएसएच एक स्पेसिफिक लोकेशन पे यहाँ पे होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो आगे चल के इसी वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा आपका। डीएसएच क्या करता है? इट इज एन इनहिबिटर ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3। ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 ये इनहिबिट करता है बीटा कैटेनिन को। मतलब कि अगर डीएसएच हाई है तो जीएसके3 लो होगा उस पर्टिकुलर रीजन में, और उस केस में बीटा कैटेनिन का एक्सप्रेशन होगा। या अगर डीएसएच लो है तो जीएसके3 एक्सप्रेस करेगा ज़्यादा, और जीएसके3 अगर हाई होगा तो बीटा कैटेनिन वहाँ पे लो होगा। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होगा। तो देखो, ये एक मैंने एग बनाया और ये फर्टिलाइज्ड एग है, डिप्लॉयड कंडीशन है। यहाँ पे MTOC होंगे, माइक्रोटिब्यूल हैं ये। ये इतना वेजिटल रीजन है और ये एनिमल हेमिस्फेयर का रीजन है। जो फर्स्ट क्लीवेज होगा मेरिडियोनल क्लीवेज होगा। मेरिडियोनल क्लीवेज ऐसा क्लीवेज होता है जहाँ पे एनिमल हेमिस्फेयर और वेजिटल हेमिस्फेयर दोनों पोर्शन हैं। अगर मैं इधर एनिमल हेमिस्फेयर इसको दिखाऊं और इधर वेजिटल हेमिस्फेयर रीजन दिखाऊं, तो आप देख रहे हैं दोनों सेल में वेजिटल हेमिस्फेयर के पोर्शन हैं और एनिमल हेमिस्फेयर के पोर्शन हैं। अब यहाँ पे जो डीएसएच मैंने दिखाया था, जो वेजिटल कॉर्टेक्स पे प्रेजेंट था वेजिटल रीजन में, वो डीएसएच यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ डीएसएच देखेंगे तो दोनों सेल में प्रेजेंट होता है, ये टू सेल स्टेज है। जब भी आप डेवलपमेंट में एक सेल से क्लीव करते हैं, दो सेल बनता है जाइगोट के बाद, उसको हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं। तो टू सेल स्टेज है, ये दोनों ब्लास्टोमियर हैं। ब्लास्टोमियर इसलिए नहीं बोलते हैं कि ब्लास्टुला की सेल्स हैं, दो सेल स्टेज है तो ब्लास्टोमियर, चार सेल स्टेज आएगा, फिर आठ सेल स्टेज आएगा, सभी को ब्लास्टोमियर बोलते हैं। फिर इसमें सेकेंड क्लीवेज होगा। जब सेकेंड क्लीवेज होगा ये भी मेरिडियोनल होगा, फोर सेल आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी भी जो
फैक्टर है मैटरनल फैक्टर या DSH जो प्रेजेंट है, ये अभी भी चारों सेल में प्रेजेंट है। थर्ड क्लीवेज इम्पॉर्टेंट है। थर्ड क्लीवेज जो होगा वो इक्वेटोरियल होगा। जब इक्वेटोरियल क्लीवेज होगा उस केस में एनिमल हेमिस्फेयर एंड वेजिटल हेमिस्फेयर अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारा मैटरनल फैक्टर थे, मैटरनल डिटर्मिनेंट थे, वो अब वेजिटल वाले सेल में पहुँच गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ऊपर का पोर्शन जो है एनिमल हाफ और इधर वेजिटल हाफ। होलोब्लास्टिक क्लीवेज से जब दो सेल मिले हैं तो आप देख रहे हैं कि दोनों सेल में दोनों रीजन हैं, एनिमल हेमिस्फेयर का पोर्शन है, वेजिटल हेमिस्फेयर का पोर्शन है। फर्दर फिर इसमें जो है मेरिडियोनल क्लीवेज होगा। जब मेरिडियोनल क्लीवेज होगा तो अभी भी चार सेल स्टेज जो है, टू सेल स्टेज और ये फोर सेल स्टेज, अभी भी जो है हर एक सेल के पास कैपेसिटी है कि ये कंप्लीट लार्वा बना सकता है, क्योंकि हर एक सेल आइडेंटिकल है। तो फोर सेल स्टेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस स्टेज पे हर एक सेल जो है कंप्लीट लार्वा बना सकता है। हालांकि ये लार्वा स्मॉल साइज का हो सकता है, जो प्लूटियस लार्वा है वो स्मॉल साइज का सी अर्चिन के केस में हो सकता है। अगर यहाँ फोर सेल स्टेज पे एक एक सेल को हम अलग कर दें तो कंप्लीट लार्वा सभी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैटरनल फैक्टर है वो सभी सेल में प्रेजेंट है। लेकिन जब एट सेल स्टेज की बात करते तो एट सेल स्टेज पे आप देख रहे हैं कि मैटरनल इफेक्ट जहाँ पे DSH प्रेजेंट है वहाँ पे जो है वो सेल्स अपना मैटरनल इफेक्ट शो करेंगे। अब इन सेल का फेट अलग है, ऊपर वाले सेल्स का फेट अलग हो जाएगा। तो फेट यहाँ पे अब जो है स्पेसिफाई हो रहा है। पहले ये सेल सभी टोटीपोटेंट नेचर के थे, सभी सेल्स के पास कैपेसिटी था कि वो कंप्लीट लार्वा का फॉर्मेशन कर सकते थे। यहाँ पे अगर हम एट सेल स्टेज पे दोनों को अलग कर दें तो जो है ऊपर वाले सेल्स जो है कंप्लीट लार्वा नहीं बना पाएंगे और नीचे वाले सेल्स भी कंप्लीट लार्वा नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अब जो है ऊपर की सेल्स और यहाँ जो वेजिटल सेल्स हैं, एनिमल हाफ की जो सेल्स हैं और वेजिटल हाफ की जो सेल्स हैं, ये अब अलग अलग टाइप के। फर्दर इसमें जो है क्लीवेज दिखाते हैं। ऊपर वाली सेल्स में मेरिडियोनल क्लीवेज होगा और ये जो सेल है इनमें अनइक्वल इक्वेटोरियल क्लीवेज होगा, अनइक्वल इक्वेटोरियल क्लीवेज होगा। ऊपर वाली सेल्स में जब मेरिडोनियल क्लीवेज होगा तो आप देख रहे हैं कि ये फोर सेल ऊपर हैं और ये फोर सेल हैं। तो ये ऊपर के फोर सेल्स जो हैं, जो एनिमल हेमिस्फेयर के सेल्स हैं, ये अब यहाँ पे एट सेल बना ली। और वेजिटल हेमिस्फेयर के जो सेल्स हैं ये भी एट सेल बनाएंगे, लेकिन दो तरीके के सेल मिलेंगे, लार्जर साइज के और स्मॉलर साइज के। यहाँ पे जो हमारा मैटरनल फैक्टर है वो इस स्मॉलर साइज के सेल में पहुँच गया। ये आपका 16 सेल स्टेज, फोर सेल ये, फोर सेल ये, फोर ये और फोर स्मॉलर सेल। इनको आप नाम देते हो, ये हैं मीजोमियर एट सेल, इसको बोलते हैं मैक्रोमियर, माइक्रोमियर फोर सेल। फर्दर इनमें जो है क्लीवेज होगा तो जो ये मीजोमियर सेल हैं इनमें इक्वेटोरियल क्लीवेज होगा, जो मैक्रोमियर सेल हैं इनमें मेरिडियोनल क्लीवेज होगा और माइक्रोमियर में अगेन जो है अनइक्वल क्लीवेज यहाँ पे होगा। मीजोमियर सेल इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे इस तरीके से एट सेल, इस फोर से हमें एट सेल मिल गए, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे एट सेल मिलेगा, चार पीछे हैं। तो एक हमें AN1 लेयर मिला एनिमल हेमिस्फेयर में, एक हमें AN2 लेयर मिला और मैक्रोमियर, वहाँ पे मैक्रोमियर में मेरिडियोनल क्लीवेज होगा तो मैक्रोमियर सेल भी डिवाइड करेंगे।
ये आपका फोर एंड फोर, वेज वन फोर सेल हैं, वेज टू फोर सेल हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें, जब ये मीजोमियर जो एट सेल हैं, फोर सेल ये जब ये डिवाइड करते हैं, तो एट सेल ये फोर सेल ऊपर का डिवाइड करेगा और ये भी डिवाइड करेगा, इक्वेटोरियल क्लीवेज होगा, तो एट सेल मिल जाएंगे। तो ये इतना ऊपर का एनिमल हेमिस्फेयर में आपको AN1 और AN2 मिलेगा। और इधर जो है आपका ये जो मैक्रोमियर सेल है, फोर सेल, ये डिवाइड कर जाते हैं और इनका डिवीजन मेरिडियोनल होगा। और जब ये डिवाइड करेंगे तो हमको फोर सेल वेज वन ऊपर मिलेगा और फोर सेल वेज टू यहाँ नीचे मिलेगा। और वेज टू के नीचे अनइक्वल क्लीवेज इसमें होगा। जब इसमें अनइक्वल क्लीवेज होगा तो लार्ज सेल मिलेंगे हमें फोर, फोर स्मॉल सेल मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो स्मॉल साइज के सेल हैं ये लार्ज माइक्रोमियर हैं, और सबसे नीचे आपको मिल रहे हैं स्मॉल माइक्रोमियर। जो लार्ज माइक्रोमियर है उन्हीं के पास इस समय वो मैटरनल डिटर्मिनेंट फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 16 सेल स्टेज जो है 32 सेल स्टेज तक पहुंच गया। तो अभी तक यहाँ पे फर्स्ट क्लीवेज, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ क्लीवेज था और ये फिफ्थ क्लीवेज है। फिफ्थ क्लीवेज के बाद जब सिक्स्थ क्लीवेज की तरफ हम बढ़ेंगे तो स्मॉल माइक्रोमियर वहाँ पे डिवीजन उस पर नहीं होगा, केवल जो है ऊपर के सेल्स एक राउंड और डिवाइड करेंगे, स्मॉल माइक्रोमियर जो है वो अब डिवाइड नहीं करेगा। इसलिए हमें टोटल जो है 60 सेल मिलते हैं सिक्स्थ क्लीवेज के बाद, 60 सेल स्टेज, और फर्दर ये जो है डिवाइड कर जाते हैं 120। स्मॉल माइक्रोमियर जो फोर सेल है वो डिवीजन अपने फिफ्थ क्लीवेज के बाद स्टॉप हो जाता है। उसके बाद जब प्लूटियस लार्वल स्टेज आएगा तब उसके बाद उसका फर्दर जो है डिवीजन होता, क्योंकि लार्ज माइक्रोमियर का कोई खास रोल होता नहीं है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। अब यहाँ पे चेक करें, होलोब्लास्टिक क्लीवेज इस तरीके से होगा। देखो यहाँ पे मैटरनल डिटर्मिनेंट प्रेजेंट होते हैं इस रीजन में, वेजिटल पोल रीजन में, यहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन में सेल के प्रेजेंट होते हैं। जब इस तरीके से मेरिडियोनल क्लीवेज होगा तो दो सेल मिलेंगे, फर्स्ट क्लीवेज, सेकेंड क्लीवेज भी मेरिडियोनल होगा, तो फोर सेल स्टेज मिलेंगे। फोर सेल स्टेज जो होता है वहाँ पे सभी सेल्स जो है उनके पास पोटेंशियल है कि वो कंप्लीट लार्वा बना सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट लार्वा बन सकता है, सभी सेल कंप्लीट लार्वा बना सकते हैं। उसके बाद जब थर्ड क्लीवेज की बात करते हैं तो थर्ड क्लीवेज इक्वेटोरियल होता है, जिसकी वजह से हाफ एनिमल मिलता है और वेजिटल हाफ मिलता है। यहाँ पे फोर सेल एनिमल हाफ में है, फोर सेल वेजिटल हाफ में है। फर्दर यहाँ पे क्लीवेज होगा, जब क्लीवेज होगा तो आपको ऊपर जो है एट सेल मिलते हैं जो कि सभी मीजोमियर्स हैं, और नीचे जो सेल्स होते हैं वहाँ पे वेजिटल हाफ, यहाँ पे अनइक्वल क्लीवेज होने की वजह से हमें लार्ज फोर मैक्रोमियर सेल मिल जाएंगे एंड फोर जो है माइक्रोमियर सेल मिलेंगे। फर्दर क्लीवेज होगा मीजोमियर में तो हमें AN1 और AN2 लेयर मिलेगा, और इस वाले सेल में जो आपका मैक्रोमियर सेल है, मैक्रोमियर सेल आगे जो है वेज वन और वेज टू मिलेगा। और जो स्मॉल, ये जो स्मॉल साइज के सेल्स हैं, माइक्रोमियर्स हैं, इस माइक्रोमियर सेल में फर्दर जो है क्लीवेज होगा, तो लार्ज माइक्रोमियर एंड स्मॉल माइक्रोमियर जो है सेल मिलेंगे। लार्ज माइक्रोमियर यहाँ पे इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे देखें फेट इनका चेक कर लेते हैं। जो AN1 AN2 है यानी कि जो मीजोडर्मल सेल्स थे, ये एक्टोडर्म बना रहे हैं। एक्टोडर्म में क्या बनाएंगे, स्किन बनाएंगे, न्यूरॉन बनाएंगे। ये ध्यान में रखना कि एनिमल पोल वाले ये जो सेल्स हैं ये पूरा एनिमल हेमिस्फेयर के जो सेल्स हैं ये स्किन बनाएंगे और न्यूरॉन बनाएंगे। ये ध्यान में रखना है कि एक्टोडर्मल सेल्स जो है, जो मीजोमियर सेल्स थे, वो सभी क्या बना रहे हैं, एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म में वो स्किन एंड न्यूरॉन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। उसके बाद जो वेजवन है, वेजवन जो है एक्टोडर्म बनाएंगे एंड एंडोडर्म बनाएंगे। एक्टोडर्म में वो ओरल एक्टोडर्म बनाते हैं और एंडोडर्म में वो
हाइंड गट बनाते हैं। वेजिटू जो है ये एंडोडर्म बना रहे हैं, और सॉरी मीजोडर्म बनाएंगे, ये ध्यान में रखना। वेजिटू जो है एंडोडर्म और मीजोडर्म, एंडोडर्म में वेजिटू जो है मिडगट एंड फोरगट बनाते हैं, और मीजोडर्म जो है वेजिटू जो मीजोडर्म को स्पेसिफाई करते हैं वहाँ पे नॉन स्क्लेटोजेनिक मीसेनकाइम सेल, और नॉन स्क्लेटोजेनिक मीसेनकाइम सेल से नॉन स्क्लेटोजेनिक मीजोडर्म बनेगा, और नॉन स्क्लेटोजेनिक मीसेनकाइम सेल होता है मीजोडर्म जो होते हैं वो मीजोडर्म जो यहाँ पे बनेगा वहाँ पे स्पेसिफाई होगा सीलोम नॉन स्क्लेटोजेनिक मीसेनकाइम सेल। मीसेनकाइम सेल नॉन स्क्लेटोजेनिक मीसेनकाइम सेल को सेकेंडरी मीसेनकाइम सेल भी बोलते हैं। ये जो मीजोडर्म है इम्यूनोसाइट एंड पिगमेंट सेल, ठीक है। अब बात आती है लार्ज माइक्रोमियर, तो जो लार्ज माइक्रोमियर है ये मेन इम्पॉर्टेंट रोल इन्हीं का है, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। लार्ज माइक्रोमियर जो है प्राइमरी मीसेनकाइम सेल बनाएंगे, तो वेज टू एंडोमीजो, वेज वन एक्टो एंडो, और ऊपर के जो मीजोमियर सेल्स थे वो सभी एक्टोडर्म बनाते हैं और स्किन एंड न्यूरॉन्स बनेगा। लार्ज माइक्रोमियर प्राइमरी मीसेनकाइम सेल बनाते हैं, और यही प्राइमरी मीसेनकाइम सेल आगे चल के लार्वल स्केलेटन बनेगा। स्मॉल माइक्रोमियर को देखें तो स्मॉल माइक्रोमियर जो है ये जर्म लाइन सेल प्रोड्यूस करते हैं, और ये मीजोडर्म बनाएंगे, और मीजोडर्म में सीलोम बनाते हैं, और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ये जर्म लाइन सेल्स बनाते हैं और मीजोडर्मल सेल्स में सीलोम का फॉर्मेशन करते हैं स्मॉल माइक्रोमियर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि लार्ज माइक्रोमियर के पास वो मैटर्नल फैक्टर पहुँच गए हैं, इसलिए इसका नेचर जो है ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट एंड मोजैक टाइप का होता है। यानी कि लार्ज माइक्रोमियर सेल्स को अगर आप कहीं पे रख रहे हो तो वो ये सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहीं पे समझ लें कि ये जो लार्ज माइक्रोमियर सेल हैं ये अपने बगल वाली सेल्स को यानी कि वेज टू को ये कुछ सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो है जेक्स्ट्राक्राइन सिग्नल पैराक्राइन सिग्नल प्रोवाइड करते हैं लार्ज माइक्रोमियर वेज टू को, क्योंकि यही नीवर सेल्स होते हैं, इसलिए वेज टू जो है नॉन स्क्लेटोजेनिक मीजोडर्म एंड मिडगट एंड फोरगट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि वेज टू जो है एंडो और मीजोडर्म का स्पेसिफिकेशन इसलिए करते हैं क्योंकि इनको जो है लार्ज माइक्रोमियर यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। अगर लार्ज माइक्रोमियर यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड ना करें तो वेज टू का एक्सप्रेशन वेज वन जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे अगर लार्ज माइक्रोमियर सेल हम यहाँ पे एनिमल रीजन पे रख दें तो क्या होगा, तो ये केसेस अभी हम लोग देखेंगे कि आगे चल के देखेंगे कि ये जो है अगर एनिमल हेमिस्फेयर पे हम लार्ज माइक्रोमियर को रखते हैं तो यहाँ पे ये किस टाइप का चेंजेस करते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ लार्ज माइक्रोमियर, तो दी सेल्स आर ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट और मोजैक, ये तीनों टर्म सेम है। शॉर्ट फॉर्म में इसको AIM से आप जो है याद कर सकते हैं। दे इनहेरिट मैटर्नल डिटर्मिनेंट, अभी बताया ना कि मैटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो इनहेरिट करते हैं यही लार्ज माइक्रोमियर, क्योंकि ये वेजिटल साइड में प्रेजेंट होते हैं और क्लीवेज होते होते जो है उन्हीं के पास इनहेरिट होता है, एंड इट डिपोजिटेड एट द वेजिटल पोल ऑफ एग। लार्ज माइक्रोमियर्स प्रोड्यूस पैराक्राइन एंड जक्स्ट्राक्राइन फैक्टर्स दैट कंडीशनली स्पेसिफाई द फेट्स ऑफ नीबर सेल्स। द माइक्रोमियर्स प्रोड्यूस सिग्नल्स दैट टेल द सेल्स अबव देम टू बिकम एंडोमीजोडर्म। कहने का मतलब कि जो लार्ज माइक्रोमियर सेल्स थे ये सेल अपने ऊपर के जो वेज टू सेल्स थे उनको ये जक्स्ट्राक्राइन और पैराक्राइन फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, और जिसकी वजह से वेज टू कंडीशनली स्पेसिफाई होता है। वेज टू का कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है यानी कि वेज टू को जैसा फैक्टर मिल रहा है वैसा वो स्पेसिफाई हो रहा है। तो ये वेज टू जो है एंडो और मीजोडर्म बना रहे हैं।
इसमें स्पेसिफाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये लार्ज माइक्रोमीयर हैं ये खुद तो ऑटोनॉमसली एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन वो वेज टू को कंडीशनल एक्सप्रेशन करा रहे हैं। नॉर्मल डेवलपमेंट यहाँ पे हम राइट साइड में चेक कर लें, जो नॉर्मल डेवलपमेंट में हमारा AN1 है, AN2 है, जो एनिमल हेमिस्फेयर में मीजोमियर्स होते हैं, और वेज 1 वेज 2 है, ठीक है, ये मैक्रोमियर सेल्स हैं, और यहाँ पे नीचे माइक्रोमियर सेल्स हैं। माइक्रोमियर में छोटे छोटे जो है स्मॉल माइक्रोमियर, और उसके ऊपर लार्ज माइक्रोमियर होंगे। ये माइक्रोमियर यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये ऊपर वाली सेल्स जो है इस तरीके से पूरा कवर करके ये एक्टोडर्म बना लेंगे या सीलिया बना लेंगे बहुत सारे, और ये जो माइक्रोमियर सेल होते हैं लार्ज माइक्रोमियर यहाँ पे लार्वल स्केलेटन बनाते हैं, और इस तरीके से प्लूटियस लार्वा आप देख रहे हैं। अगर यहाँ पे एक केस भी है कि हमने जो है वेजिटल हाफ रिमूव कर दिया, हमारे पास केवल एनिमल हाफ है, तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि जो है यहाँ पे सीलिएटेड जो है, और ये जो सीलिया है ये आप देख रहे हो कि जैसा नॉर्मल कंडीशन में उस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है, और एक ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और पूरा कंप्लीट एनिमलाइजेशन होगा, मतलब कि एनिमल हेमिस्फेयर जो है पूरा इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ पे ओनली क्या मिल रहा है, एक्टोडर्म मिल रहा है, क्योंकि ये एनिमल हेमिस्फेयर की सेल्स क्या बनाते थे, एक्टोडर्म, वहाँ पे स्किन बनाते थे, न्यूरॉन्स बनाते थे, ये चीज़ें। अब यही एनिमल हेमिस्फेयर को अगर आप लार्ज माइक्रोमियर प्रोवाइड कर दो तो उस केस में क्या होगा, लार्ज माइक्रोमियर यहाँ पे विजिबल चेंजेस ला रहे हैं, जो कि लार्वा का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं। हालांकि जो नॉर्मल डेवलपमेंट है वैसा तो स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लार्ज माइक्रोमियर सेल्स है वो इन सेल्स को जो है ऐसा स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो वेज टू जैसा बिहेव करे, क्योंकि लार्ज माइक्रोमियर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है वेज टू से, तो वेज टू जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, अभी पीछे मैंने देखा कि वेज टू क्या बनाते हैं, वेज टू जो है एंडो और मीजोडर्म बनाते हैं, तो एंडो मीजोडर्मल स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा, एज वेल एज ये लार्ज माइक्रोमियर सेल जो है स्केलेटन बनाएंगे, तो आपको लार्वल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा। लार्ज माइक्रोमियर स्पेसिफिकेशन अगर आप देखें तो डबल नेगेटिव गेट टर्म ये पूछा जाता है कि ये होता क्या, तो देखो मैटर्नल फैक्टर किस में प्रजेंट है, लार्ज माइक्रोमियर में प्रजेंट है। मैटर्नल फैक्टर में OTX और बीटा कैटनिन है, और ये बीटा कैटनिन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे होते हैं, ये न्यूक्लियस में एंट्री करेंगे। माइक्रोमियर सेल्स जो हैं, ये माइक्रोमियर सेल्स के न्यूक्लियस में ये आपके DNA है, वहाँ पे जाके बीटा कैटनिन DNA से बाइंड करेगा और PMR1 जीन को एक्सप्रेस करेगा। जब PMR1 जीन एक्सप्रेस होता है तो ये नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं HC जीन को, अगर HC जीन नेगेटिवली रेगुलेट हो जाएगा तो ALX1, TBR, ETS एंड डेल्टा इन सभी फैक्टर्स का यहाँ पे एक्टिवेशन होगा, एंड ऑल दीज फैक्टर्स आर एक्टिवेटिंग द स्केलेटन फॉर्मिंग जीन, तो लार्वल स्केलेटन बनेगा, ये सभी फैक्टर इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहे हो कि पैराक्राइन और डेल्टा नॉच पाथवे जो होता है वो जेक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग से होता है, तो डेल्टा भी सिंथेसाइज हो रहा है, और डेल्टा जो है जो आपका माइक्रोमियर सेल्स वेज टू को यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं जैसा कि हमने पीछे देखा, तो वेज टू को जो है वो उसके फेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइक्रोमियर जो है पैराक्राइन जेक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग करते हैं, तो वेज टू जो मैक्रोमियर सेल्स हैं उनको जो है ये डेल्टा प्रोवाइड करते हैं, और इस यहाँ पे नॉच प्रेजेंट होता है, नॉच एक रिसेप्टर जैसा, और ये डेल्टा और डेल्टा एंड नॉच फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम सेल्स बनते हैं। ये नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम सेल सेकेंडरी मेसेनकाइम सेल होते हैं, और जो स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम सेल होंगे वहाँ पर वो प्राइमरी स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम सेल्स होते हैं, ठीक है। वेज टू मैक्रोमियर सेल्स होते हैं और वहाँ पे बीटा कैटेनिन नहीं होता, आपने स्टार्टिंग में देखा, हमने बताया था कि जो है मैटर्नल डिटर्मिनेंट्स कहाँ पे पहुँच जाते हैं, माइक्रोमियर, वो भी लार्ज माइक्रोमियर, तो वहाँ पे ये बीटा कैटेनिन एक्सप्रेस होगा। अब आप सोच रहे हो कि बीटा कैटेनिन यहाँ पे कैसे एक्सप्रेस होगा, अब देखो मैंने बताया था ना कि जो DSH होता वो इनहिबिट करता है माइक्रोमियर, DSH माइक्रोमियर में प्रेजेंट है, और माइक्रोमियर सेल में वो
जीएसके थ्री को इनिबिट करता है। अगर जीएसके थ्री इनिबिट हो जाएगा तो उस सेल में यानी कि माइक्रोमियर सेल में बीटा कैटनिन का एक्सप्रेशन होगा, और बीटा कैटनिन जाके टारगेट जो है प्रमोटर रीजन से बाइंड करेगा PMR1 जीन से, और वो फर्दर एक्टिवेट होगा और जाके इनिबिट करेगा HC को। HC इनिबिट हुआ तो ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिव हो जाएंगे। अगर इनका एक्सप्रेशन हाई होगा तो HC का एक्सप्रेशन लो होगा, और फर्दर इनका एक्सप्रेशन हाई होगा तो आपका लार्वल स्केलेटन बनेगा और बगल में सिग्नलिंग भी होगी। VACE2 को जो है सिग्नलिंग प्रोवाइड करेंगे, तो ये एंडो मीजोडर्म बनाएंगे। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे कि बीटा कैटिनिन नहीं है, बीटा कैटिनिन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे GSK3 होगा और GSK3 बीटा कैटिनिन को इनिबिट कर रहा होगा। तो अगर PMR1 का एक्सप्रेशन नहीं होगा तो PMR1 इनिबिट नहीं कर पाएंगे HC को, इसलिए HC एक्सप्रेस होंगे और HC जाके इनिबिट कर देंगे इन सभी फैक्टर्स को, और जिसकी वजह से जो है उनमें जो है स्केलेटन और ये सारी चीज़ें नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ये सभी सेल्स मैक्रोमियर एम टाइप के हैं, ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट मोजेक टाइप के, और ये कैसे हैं कंडीशनल डिपेंडेंट और रेगुलेटिव टाइप के। देखिए मैं यहाँ पे एक बार आपको ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सेल बनाया, ये सेल्स हैं और ये सेल सभी एक्टोडर्म बनाते हैं। इस तरीके से मैंने इनको कलर कर दिया, और ये सभी सेल जो है क्या बनाएंगे, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन। मेरे पास कुछ कुछ यहाँ पे सेल्स हैं और ये सेल जो है मीजोडर्म बनाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि एक सेल यहाँ से लिया और यहाँ पे रख दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने जो सेल लिया वो इस एक्टोडर्म के बीच में रख दिया। यहाँ पे जो सेल है जिनका फेट मीजोडर्म का फॉर्मेशन है, यहाँ से मैंने एक सेल लिया और इनके बीच में रख दिया जो एक्टोडर्म फॉर्मिंग सेल है, ठीक है, जो एक्टोडर्म बना रहे थे। अब पता चला कि ये जो है मीजोडर्मल सेल, इनको कुछ फैक्टर प्रोवाइड किए, इनको जो है फैक्टर प्रोवाइड किए, और सभी सेल अब जो है मीजोडर्म बना रहे हैं। तो बगल वाली सेल्स का फेट जो पहले एक्टोडर्म बना रहे थे वो अब मीजोडर्म बना रहे हैं, और जो सेल मीजोडर्म बना रहे थे वो भी मीजोडर्म बना रहे हैं। यानी कि वो सेल अपना स्पेसिफिकेशन, इसको हम अगर नाम ए रखें और इन सेल्स को नाम बी रखें, तो ए सेल अपना स्पेसिफिकेशन रिटेन कर रहा है, साथ ही साथ वो बी सेल्स को जो अपने बगल में सेल्स नेबरिंग सेल्स हैं उन सभी को पैराक्राइन फैक्टर या जस्टाक्राइन फैक्टर से उनको भी इंड्यूस कर रहे हैं कि आप भी बी सेल आप भी जो है मीजोडर्म बनाएं। तो यहाँ पे जो ए सेल हैं ये ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड हो रहे हैं, ऑटोनॉमस हैं, एंड बी सेल जो है वो कंडीशनल है, कंडीशनल है, डिपेंडेंट है या फिर रेगुलेटिव है, और ए सेल जो है ऑटोनॉमस है, इंडिपेंडेंट या मोज़ेक टाइप है। तो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन मतलब ऐसा सेल जिसका अपना फेट कंफर्म है कि हमें ये बनाना है, और कंडीशनल ऐसे सेल होते हैं जो कंडीशनली स्पेसिफाई होते हैं जिनका खुद का फेट कंफर्म नहीं और दूसरे पे डिपेंड करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं केस 1 की बात करूँगा। अगर लार्ज माइक्रोमियर सेल जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो से आइसोलेट कर दिया जाए, ये यहाँ पे हमें पता है कि लार्ज माइक्रोमियर सेल होते हैं जिसके पास मैटरनल डिटर्मिनेंट है, अगर आप ये हटा दोगे तो इसके ऊपर जस्ट VACE2 लेयर होती है, तो VACE2 जो है जो एंडो और मीजोडर्म बना रहे थे उसका एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि लार्ज माइक्रोमियर ही जो है उनको फैक्टर प्रोवाइड कर रहे थे, तो VACE2 स्पेसिफिकेशन नहीं होगा और एंडो मीजोडर्मल सेल भी नहीं बनेगा। केस 2 देखते हैं, इफ लार्ज माइक्रोमियर सेल्स फ्रॉम अ डोनर एम्ब्रियो आर प्लेस इनटू द एनिमल हेमिस्फेयर ऑफ द होस्ट। ये हमारे पास एक डोनर है और यहाँ पे इसके पास लार्ज माइक्रोमियर सेल्स है, और ये हमारे पास एक होस्ट है, होस्ट का ऊपर एनिमल हेमिस्फेयर है, और यहाँ पे हमें पता है कि ये सभी मीजोमियर होते हैं, और मीजोमियर क्या बनाएंगे, एक्टोडर्म बनाएंगे, और एक्टोडर्म में स्किन एंड न्यूरॉन बनाते हैं। ये जो सेल्स हैं लार्ज माइक्रोमियर सेल्स हैं,
तो यहाँ पे लार्ज माइक्रोमियर सेल होस्ट के पास भी होगा, लेकिन हमने यहाँ से लिया और यहाँ पे रख दिया। अब बताइए क्या होगा। अब इस रीजन में तो जो ये लार्ज माइक्रोमियर होस्ट का है वो तो अपना स्पेसिफिकेशन करेगा, यानी कि यहाँ पे एक इन्वेजिनेशन कराएगा और गट बनेगा और मीजोड्रम भी बनेगा, लार्वल स्केलेटन भी बनेगा यहाँ पे। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी एक एक्सिस जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे भी इन्वेजिनेशन होने लगेगा और जेक्स्ट्राक्राइन पैराक्राइन सिग्नलिंग, ये जो सेल्स हमने ट्रांसप्लांट किए हैं यहाँ पे, ये सेल जो है नेबरिंग सेल्स को भी स्टिमुलेट करेंगे कि आप भी जो है एंडोमीजोडर्म सेल का फॉर्मेशन करें और ख़ुद भी अपना ये स्पेसिफिकेशन रिटेन करेंगे। तो माइक्रोमियर सेल्स एम टाइप के होते हैं, अपना स्पेसिफिकेशन रिटेन रखेंगे एंड वहाँ पे इन्वेजिनेशन को इंड्यूस करेंगे एनिमल हेमिस्फेयर पे। हालांकि वेजिटल रीजन में नॉर्मली इन्वेजिनेशन होता है, लेकिन यहाँ पे एनिमल हेमिस्फेयर पे होगा। और स्क्लेटोजेनिक मीसेनकाइम सेल्स अब यहाँ पे भी बनने लगेंगे, क्योंकि लार्ज माइक्रोमियर सेल्स ही वही बनाते हैं, और नेबरिंग सेल्स को पैराक्राइन और जस्टाक्राइन सिग्नलिंग से इंड्यूस करेंगे कि ये सेल्स जो पहले एक्टोडर्म बना रहे थे मीजोमियर, अब ये क्या बनाए, एंडो और एंडोमीजोडर्म का फॉर्मेशन करें। जितने भी बगल में सेल्स होंगे उन सभी का एक्सप्रेशन कैसा होगा, जो है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होगा। केस थर्ड देखते हैं। एट एट सेल स्टेज इफ फोर सेल्स ऑफ एनिमल हेमिस्फेयर आर आइसोलेटेड फ्रॉम सेल ऑफ वेजिटल हेमिस्फेयर। देखते हैं, एट सेल स्टेज में आप फोर सेल ऊपर देखते हैं इस तरीके से एनिमल हेमिस्फेयर के, एंड फोर सेल जो है यहाँ पे वेजिटल। ये एनिमल हेमिस्फेयर की सेल है और ये वेजिटल हेमिस्फेयर की सेल है। हमें पता है कि वेजिटल हेमिस्फेयर के सेल के पास मैटरनल डिटर्मिनेंट पहुंच गए, इसलिए अब यहाँ पे हर एक सेल के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो कंप्लीट लार्वा बनाए, इनकम्प्लीट लार्वा बनाएंगे, है ना, किसी के पास कैपेसिटी नहीं है। तो अगर आप इनको सेपरेट कर दोगे तो कंप्लीट जो है स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर ये फोर सेल स्टेज की जब बात करते हैं, तो फोर सेल स्टेज में आप देखते हो कि एनिमल हेमिस्फेयर एंड वेजिटल हेमिस्फेयर दोनों पोर्शन होता है हर एक सेल में, इसलिए मैटरनल डिटर्मिनेंट सभी सेल में है। और फोर सेल स्टेज पे अगर आप सेपरेट करते हो तो यहाँ पे कंप्लीट लार्वा बनेगा, कंप्लीट लार्वा का डेवलपमेंट होगा। हालांकि ये लार्वा स्मॉल साइज का हो सकता है, लेकिन कंप्लीट लार्वा बनेगा। और एट सेल स्टेज पे सभी सेल यहाँ पे टोटिपोटेंट कंडीशन नहीं होगा, ये प्लूरीपोटेंट हो सकते हैं, लेकिन फोर सेल स्टेज पे हर एक सेल टोटिपोटेंट है। टोटिपोटेंट मतलब टू फॉर्म एनीथिंग। केस नंबर फोर चेक कर लेते हैं। इफ़ द डेवलपिंग एम्ब्रियो इज ट्रीटेड विद लिथियम क्लोराइड, अगर आपने लिथियम क्लोराइड एम्ब्रियो में ऐड कर, ये GSK3 को इनिबिट कर देगा। अब अगर एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो में GSK3 नहीं होगा तो वहाँ पे बीटा कैटनिन को कोई इनिबिट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि बीटा कैटनिन का एक्सप्रेशन केवल माइक्रोमियर्स में जो हो रहा था वहाँ पे ना होकर अब सब जगह होगा, हर एक सेल में बीटा कैटिनिन का एक्सप्रेशन होगा। इसका मतलब कि हर एक सेल माइक्रोमियर जैसा जो है फेट डिटरमाइन करने लगेंगे। तो कहने का मतलब जो एनिमल हेमिस्फेयर जो एक्टोडर्म बना रहे थे वो फिर एक्टोडर्म का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, तो वहाँ पे कंप्लीट एम्ब्रियो जो है एंडोमीजोडर्म में डेवलप हो जाएगा और वहाँ पे एक्टोडर्म गायब हो जाएगा, एक्टोडर्म नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखना। केस नंबर फाइव देखते हैं कि अगर बीटा कैटेनिन या डिसेबल्ड ये दोनों अगर इनिबिट कर दिया जाए या एब्सेंट हो एम्ब्रियो में तो क्या होगा, क्योंकि ये जो है आप देख रहे हो लार्ज माइक्रोमियर को स्पेसिफाई कर रहे थे बेसिकली, और लार्ज माइक्रोमियर एंडो और मीजोडर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो खुद भी मीजोडर्म बना रहे थे और वेज टू को एक्सप्रेस करा रहे थे एंडो मीजोडर्म में। लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो एंडो और मीजोडर्म का स्पेसिफिकेशन नहीं हो पाएगा और सारा एम्ब्रियो जो है वो वहाँ के सभी सेल्स जो हैं सीलिएटेड एक्टोडर्मल बॉल में चेंज हो जाएंगे, सीलिएटेड एक्टोडर्मल बॉल बन जाएगा। बीटा कैटिनिन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही जो है न्यूक्लियस में एंट्री करेगा और ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन में रोल प्ले करेगा।